हीरोइन को बनाने के लिए स्टील क्लोराइड अथवा स्टिक एनहाइड्राइड को मॉर्फिन के साथ क्रिया कराकर बनाया जाता है। यह एक सिंपल रिएक्शन है, इसमें बहुत ही अधिक मात्रा में हीरोइन प्राप्त किया जाता है। आज के समय में पूरी प्रक्रिया द्वारा हीरोइन बनाना कानूनी अपराध है। आप ऐसा कुछ करते हैं तो इसकी पूरी जिम्मेदारी आपकी होगी। यह वीडियो सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बनाई जा रही है। हीरोइन क्या है, हीरोइन कैसे बनाते हैं, इसका हमारे बॉडी पर क्या प्रभाव होता है और इसका मनुष्य के शरीर पर क्या दुष्प्रभाव है, इसके संबंध में यहाँ पर जानकारी प्रदान की जा रही है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो यार, आपके भाई का चैनल है। हीरोइन बनाने के लिए सबसे मुख्य पदार्थ मॉर्फिन की आवश्यकता होती है। मॉर्फिन अपियम पप्पी प्लांट से प्राप्त किया जाता है। इस पौधे का वनस्पतिक नाम पेपर सेमनी फेरम है। मॉर्फिन एक मुख्य एल्केलॉयड है। यह 1805 में पहली बार पप्पी सीड से प्राप्त किया गया था। यह बहुत ही प्रबल दर्दनाशक होता है। हीरोइन का रासायनिक नाम डाई एस्टिल मॉर्फिन है और इसे सामान्यतः स्मैक नाम से जाना जाता है। अपियम प्लांट की बुआई करने पर यह 3 महीने में तैयार हो जाता है। अपियम प्लांट को काटने पर मिल्की द्रव निकलते हैं जो हवा के संपर्क में आने पर डार्क और स्टिकी हो जाता है और यह पदार्थ अपियम का साधारण रूप है और जब इसे हॉट वाटर में मिलाते हैं तो यह मॉर्फिन में बदल जाता है और इसमें अलग अलग रसायन मिलाकर इसको हीरोइन या स्मैक, ब्राउन शुगर, व्हाइट शुगर व अन्य मादक पदार्थ में बदल दिया जाता है। बने हुए मॉर्फिन का एसिटिलीकरण करने पर सफेद पाउडर के रूप में हीरोइन प्राप्त होते हैं। इस केमिकल रिएक्शन को इस तरह समझें, मॉर्फिन में 2 ओएच समूह होते हैं और एस्टिक एनहाइड्राइड और एस्टिल क्लोराइड के 2 मॉलिक्यूल इन्हीं समूहों से जुड़ते हैं और हाइड्रोक्लोरिक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड निकलते हैं तथा 3,6 डाई एस्टिल मॉर्फिन या हीरोइन या स्मैक प्राप्त होता है। यह हीरोइन बनाने का दूसरा मेथड इस प्रकार है। पेपेवर सेमनीफेरम के प्लांट का चाकू की सहायता से लैटेक्स निकाल लेते हैं और एक पात्र में रख लेते हैं तथा उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड मिलाते हैं और उसको फिल्टर पेपर से छान लेते हैं और छनित्र में एस्टिक एनहाइड्राइड जल और सोडियम कार्बोनेट मिलाते हैं और इस प्रक्रिया को स्टाइलेशन कहते हैं और डाई मॉर्फिन अर्थात हीरोइन तैयार हो जाता है। ब्राउन हीरोइन बनाने के लिए हीरोइन का क्रिस्टलीकरण करते हैं। इसके लिए डाई एथिल ईथर और हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाते हैं तो हीरोइन हाइड्रोक्लोराइड तैयार हो जाता है जिसे ब्राउन शुगर के नाम से जानते हैं। व्हाइट हीरोइन बनाने के लिए इसमें कैफीन और पैरासीटामॉल मिलाते हैं, उसके बाद इसकी पैकिंग करके मार्केट में सेल कर दिया जाता है। हीरोइन सफेद, गंधहीन, स्वाद में तीक्ष्ण क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। हीरोइन सामान्यतः सूंघ कर या इंजेक्शन द्वारा लिया जाता है। मॉर्फिन बॉडी के फंक्शन को स्लो कर देती है, शांति प्रदान करती है। मॉर्फिन आमतौर पर श्रम के दौरान दर्द को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन यहाँ तक कि कैंसर में होने वाले अत्यधिक दर्द को भी कम कर देता है। मॉर्फिन नशीली पदार्थ की श्रेणी से है। मॉर्फिन का नियमित सेवन करने से यह आदत में बदल जाती है और स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन खराब होता जाता है और अंततः मृत्यु हो जाती है। मॉर्फिन के साइड इफेक्ट, पसीना आना, चक्कर आना, सुस्ती, उल्टी, मितली, बेहोशी, कब्ज आदि। मॉर्फिन की मुख्य विशेषताएं। मॉर्फिन को शराब के साथ सेवन कर सकते हैं लेकिन 10 mg से कम ही। इसका सेवन करके गाड़ी चलाना सुरक्षित नहीं है। यह किडनी के लिए नुकसानदेह है, यह लीवर के लिए भी नुकसानदेह होता है। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करें। यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। यह जानकारी और को देने के लिए वीडियो को शेयर करें तथा अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें।